ऋत्विक के साथ ब्रेकअप के बाद आशा ने करण वाही के लिए कही बड़ी बात, बांधे करण के तारीफों के पुल। क्या सच में ऋत्विक का हाथ छोड़ आशा ने थामा करण का साथ? क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। मशहूर स्टार आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस में काफी खलबली पैदा कर दी है। दोनों करीब 6 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब खबरें ये हैं कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। ब्रेकअप की खबरों के बाद आशा नेगी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान पोस्ट किया है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस पोस्ट में उन्होंने जमकर करण वाही की तारीफ की है। आशा नेगी ने करण वाही को ये पोस्ट टैग करते हुए लिखा, मुझे पता है कि करण वाही इसके बारे में कभी भी बात नहीं करेगा, तो मैं खुद ये बात लोगों को बता रही हूँ। ये बात बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे दोस्त ने अपनी अभी की सारी कमाई को कोरोना वायरस से जुड़े फंड में दान दे दिया है। पहले इस पोस्ट में उन्होंने ब्रेकअप से जुड़ी कोई भी बात नहीं की है, लेकिन करण की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें कि करण वाही आशा और ऋत्विक के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ऋत्विक और आशा की मुलाकात पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। वेल फैंस, क्या आपको भी लगता है कि करण वाही है इनके ब्रेकअप की वजह, तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। टूट गया एक और टीवी कपल का रिश्ता। आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी के रिश्ते में आई दरार। क्या वाकई में दोनों ने ले लिया है अलग होने का फैसला? क्या है इनके रिश्ते के टूटने की असली वजह? क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। वो कहते हैं ना, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। तो शायद अब ऐसे कुछ हुआ टीवी की वन ऑफ द मोस्ट क्यूट कपल के साथ, आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी, जो पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों की मुलाकात पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। दोनों ने नच बलिए सीजन 6 का खिताब भी अपने नाम किया था, पर अब खबरों की माने तो इनके रिश्ते में आ गई है दरार। दोनों ने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला ले लिया है। जहां दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहते थे, वहीं अब दोनों ने कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से ब्रेक लिया है। इन्हीं बीच इस फासले की असली वजह क्या है, ये तो वही बेहतर जाने। वेल, आपको बता दे, इसके पहले टीवी के एक और क्यूट कपल की ब्रेकअप न्यूज सामने आई थी और वो है अनुषा दांडेकर और करण कुंद्रा। आपकी क्या राय है इस मामले पर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।